आइए जानते हैं 7 मार्च 2021 का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यापार से जुड़े लोगों को आज का दिन लाभ देने वाला होगा। विद्यार्थियों को जीवन में कामयाबी मिलेगी। अनेक प्रकार के शुभ सूचनाओं का आपको योग है। कोई बेवजह का जोखिम न उठावें। आप अपने आत्मविश्वास से सावधान होकर करके आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में आज हनुमान जी की आराधना यदि आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। वृष राशि, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको अनेक प्रकार के सहयोग मिलेंगे। सेहत आपका बहुत अनुकूल रहेगा। युवाओं को नौकरी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और आपको नौकरी से लाभ भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा। व्यापार आपका ठीक ठाक चलेगा। आपके आराध्य भगवती देवी हैं, देवी की आराधना करें। ओम दुर्गे दुर्गे रखणी मंत्र का जाप करें, आपको विशेष लाभ होगा। मिथुन राशि, सेहत पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बचत योजना से आप निवेश करें, आपको सफलता प्राप्त होगा। यात्रा के समय में थोड़ा खर्च आप कम करें। यात्रा में आपको लाभ का योग बन रहा है। किसी गलत संगति में न पड़े। किसी गलत संगति के कारण आपकी बदनामी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होगा। मित्र और रिश्तेदार से आपको कुछ कहा सुनी हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर करके भी परिवार में सुलह की स्थिति बनेगी। आपके आराध्य देवता भगवान गणेश हैं। ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, आपके जीवन में विशेष लाभ प्राप्त आपको होगा। कर्क राशि, नए कार्य के लिए आपको आज शुरुआत करने का आपको दिन है। यात्रा आप टाल सकते हैं तो टाल दें। अनावश्यक खर्च आप न उठावें। परिवार में थोड़ी खर्च के कारण आपको परेशानी होगी, मतभेद हो सकता है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, नए लोगों से आपको मुलाकात होगा। आपके आराध्य देवता हैं भगवान से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, आपको अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि, मन आपका आध्यात्म के क्षेत्र में लगेगा। नए संबंध आपको बनेंगे और निकटता भी आएगी। नए रोजगार के कारण आपको आपके भाग्य में अनेक प्रकार की सफलता और आय के योग आपको बनेंगे। उधार की रकम भी आपको मिलने के योग हैं। कारोबार के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। आपके भाग्य के देवता है भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि, आज किसी को उधार देने से बचें। आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। बुजुर्गों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। परिवार में खुशहाली आएगी। भाग्य आपका साथ देगा। रिश्तेदार आपका सहयोग करेंगे। छात्रों के लिए एक अच्छा दिन है। आप बोलचाल पर संयम रखें। विवाह करने वाले युवक युवतियों को अच्छे संबंध आ सकते हैं। आपके भाग्य के देवता गणेश जी हैं। आप ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर करके 21 धूप का फुनगा गणेश जी को अर्पण करें, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। आइए जानते हैं तुला राशि, आपके लिए आज का दिन बेहतरीन होगा। गैर जरूरी कार्यों के लिए आप खर्च करेंगे और किसी रिश्तेदार से आपको थोड़ी अनबन हो सकती है। ज़्यादा जोखिम न उठावें। स्वास्थ्य और विद्या के क्षेत्र में आप पल लगावें। स्वास्थ्य के ख्याल से आपके लिए थोड़ा सा आज का दिन अनुकूल नहीं है। यात्रा करने से आप बचें। परिवार के लोग खुश रहेंगे। करियर के लिए, युवाओं के लिए यह बहुत उत्तम दिन सिद्ध होगा। आपके आराध्य देवता और देवी दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी का मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, और किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के भगवती को गुलाब का फूल अर्पण करें, आपको बहुत लाभ होगा। जानते हैं वृश्चिक राशि, नए काम से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जमीन के कार्य में आप निवेश करेंगे। कारोबार के क्षेत्र में आपको उन्नति होगा। रिश्तेदारों से मुगल मुलाकात होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। नई नई कार्य से आपको थोड़ी तनाव मिल सकते हैं। युवाओं को करियर के क्षेत्र में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कामयाबी मिलेगी, धन का लाभ होगा। बिना मांगे किसी को सलाह न दें, विवाद हो सकता है। आपके भाग्य के देवता हैं हनुमान जी। आज संध्या समय आप हनुमान जी का
हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के लिए आप मंदिर में जाकर करके उनको प्रसन्नता के लिए आप 11 लड्डू चढ़ावें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। धनुराशि, रुक ही रकम आपको वापस होगी, विद्यार्थियों के जीवन में कामयाबी मिलेगा, बाहरी खान पान से आप दूर रहें, बुजुर्गों का आप ध्यान दें, सेहत पर भी आप थोड़ी सी ध्यान दें, आपका दिन बेहतर होगा, आपको धन का लाभ मिलेगा, आपकी पुरानी दिक्कतें दूर होंगी, प्रभु की आराधना में आप अपने आप को लगाएं, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, आपका कल्याण होगा। आपके आराध्य देवता है भगवान विष्णु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जानते हैं मकर राशि, संपत्ति से जुड़े हुए विवाद को लेकर के आपको सुलह होगा, किसी आपको मानसिक तनाव मिलेगा, परिवारजनों का सहयोग भी प्राप्त होगा, आर्थिक जोखिम न उठावें, सेहत के ऊपर विशेष ध्यान दें, यात्रा करने से बचें, आपका दिन बेहतर होगा, आप सकारात्मक रहेंगे, आप नई योजनाओं को लागू कर सफलता प्राप्त करेंगे। आपके आराध्य देवता भगवान हनुमान जी हैं, उनकी आराधना से आपके जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होगी। ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, लेन देन से आप सावधानी बरतें, आज का दिया हुआ जो भी पैसा होगा आपको डूब सकता है, कुशंग गति से बचें, सेहत पर ध्यान दें, नुकसान हो सकता है, नई योजनाओं को आप बनाने में लगें, आपको सफलता मिलेगा, आपके कौशल और आपके बुद्धि के कारण आपको सफलता प्राप्त होगा, मानसिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी, कर्ज देने से बचें, समय पर आपके कार्य पूरे होंगे। आपके आराध्य देवता है रुद्र, भगवान शिव जी की आराधना करें, शिव मंदिर में जाकर के गंगा जल अर्पण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपको बहुत लाभ होगा। मीन राशि, आपका दिन सुखद होगा, नए कार्यों को शुरू करने के लिए आपके लिए यह बहुत उत्तम दिन है, सगे संबंधियों से आपको लाभ होगा, जीवन आपका अत्यंत शुभ आज का दिन होगा, कार्य के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी जिसमें थोड़ी सी आपको निराशा मिलेगी, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके आराध्य देवता भगवान विष्णु है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करें। सबका मंगल हो, कल्याण हो।